देखिए, मैं जो अखबारों में पढ़ रहा हूँ और उनके बयान सुन रहा हूँ, वो बता रहे हैं केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करेंगे, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। ये मुद्दा केजरीवाल का नहीं है, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। ये मुद्दा देश के जनतंत्र का है, दिल्ली के लोगों का जो अपमान हुआ है, ये मुद्दा उसका है, संविधान का है। मेरी उनसे निवेदन है कि केजरीवाल को छोड़ दीजिए, केजरीवाल को सपोर्ट मत कीजिए। लेकिन मोदी सरकार ने जो दिल्ली के लोगों का अपमान किया, दिल्ली के लोगों की सारी शक्ति छीन ली, तो दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हुई है। आज इन्होंने दिल्ली के साथ किया है, जैसा अभी येचुरी साहब ने कहा, कल को अगर ये राजस्थान सरकार के साथ खड़े होते हैं, किसके राजस्थान के खिलाफ ऐसा ऑर्डिनेंस पास करते हैं, तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। हम ये नहीं कहेंगे ये कांग्रेस का मामला है कि बीजेपी का मामला है, ये देश का मामला है, तो हमें देश के साथ खड़े होना है। तो उन्हें यही तय करना है कि वो मोदी जी के साथ खड़े हैं कि जनता के साथ खड़े हैं। मेरे साथ सपोर्ट करने की बात नहीं है, जनता के हकों को छीना जा रहा है, संविधान को रौंदा जा रहा है, ऐसे में तो पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को, सारी पार्टियों को साथ आके और इसका जम के विरोध करना चाहिए। वो हम लोगों ने देखा, बहुत 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 दर्दनाक हादसा है, और मतलब वो देखा नहीं जाता, जिस तरह से चाकू गोद गोद के और उसके बाद पत्थर से उस बच्ची का सर फोड़ दिया गया, तो उसकी जितने भी कठोर से कठोर शब्दों में निंदा की जाए, और हम समझते हैं वो लड़का पकड़ा गया है, उसको कठोर से कठोर सज़ा दिलाने के लिए दिल्ली सरकार जो है कोर्ट के अंदर बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेगी। और लेकिन ओवरऑल दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके हम काफ़ी चिंतित हैं, और हम एलजी साहब से निवेदन करेंगे कि हमारे काम हमें कर लेने दीजिए, आप अपने काम कीजिए। आपको संविधान ने जो काम दिए हुए हैं वो काम आप करें, हमें जो संविधान ने काम दिए हुए हैं हम करें, तो ज़्यादा शोभा भी होगी और ठीक भी रहेगा। अभी आतिशी जी जा रही हैं उनकी फैमिली से मिलने के लिए, और उस बच्ची के लिए 10 लाख रुपए हम उनके परिवार को मुआवजा भी देंगे, और उनके परिवार को आश्वासन देते हैं कि उसको कठोर से कठोर सज़ा दिलवाने की कोशिश करेंगे।